भारत और श्रीलंका के बीच आज से 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज शुरू हो रही है और उसका पहला मैच पेल्लिकल कैंडी में खेला जाना है। तो आप कह सकते हैं आज से गंभीर परीक्षा शुरू। जी हाँ, गौतम गंभीर बतौर कोच जो है अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आज शुभारंभ हो रहा है। पहला मैच जो है कैंडी पेल्लिकल में खेला जाएगा और इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। गौतम गंभीर अपने कोच की पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज को जीतने के इरादे से आज पहले मैच में उतरने जा रही है। देखिए, अगर हम इस मैच की बात करें तो पलड़ा आपको हमेशा ही भारत का श्रीलंका के खिलाफ भारी दिखता है, लेकिन श्रीलंका वो टीम है जो कभी भी उलटफेर कर देती है और खास करके जब वो अपने घर पर खेल रही होती है तो श्रीलंका की टीम खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वहां की जो स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं उस पर खेलने का उनके पास अपार अनुभव होता है और इसका लाभ जो है श्रीलंकाई टीम अक्सर उठा कर ले जाती है। अगर हम आज के मुकाबले की बात करें जो कि भारत और श्रीलंका के बीच होने जा रहा है और चूंकि ये T20 इंटरनेशनल मुकाबला है तो भारतीय टीम का जो खेलने का तरीका है मुझे लगता है कि वही होगा जो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने टेम्पलेट सेट कर दिया है। मतलब कि फियरलेस क्रिकेट जो है वो भारतीय टीम खेलना चाहेगी और T20 इंटरनेशनल में जीत का अब यही एक मंत्र भी है कि आप निर्भय होकर क्रिकेट खेलें और निर्भयता के साथ अपने स्ट्रोक लगाएं और मुझे लगता है कि टीम इंडिया जो है उसी की कोशिश करेगी। अगर आप श्रीलंका में भारत और श्रीलंका के बीच जो मुकाबले हुए हैं उसकी बात करें तो भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका में 8 मैच खेले हैं T20 इंटरनेशनल, जिसमें से 5 में भारतीय टीम को जीत मिली है और 3 मुकाबले श्रीलंका जीतने में कामयाब रहा है। अगर आप देखें तो कुल 29 मुकाबले भारत और श्रीलंका के बीच अब तक T20 इंटरनेशनल में हुए हैं। यहां पर भी बढ़त आपको भारतीय टीम को ही दिखेगी, उसने 19 मुकाबले जीते हैं जबकि 9 मैच जो है वो श्रीलंका ने जीते हैं और 1 मैच जो है वो उसका रिजल्ट नहीं आ सका था। तो आंकड़े भारत के पक्ष में हैं, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि श्रीलंका वो टीम है जो आंकड़ों पर विश्वास नहीं करती, वो कभी भी उलटफेर कर सकती है। हालांकि श्रीलंकाई टीम T20 वर्ल्ड कप में लीग स्टेज से ही बाहर हो गई थी तो ये बातें भी उन्हें याद होंगी और वो फॉर्म में वापसी की पूरी कोशिश जो है वो करने वाले हैं। दूसरी तरफ भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में कामयाब हुई थी और उसके बाद जिम्बाब्वे टूर पर भारत की युवा टीम ने भी जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त दी थी। इससे भारतीय टीम का हौसला जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन जो भारतीय टीम के लिए कंसर्न होगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है और बुमराह रेस्ट पर हैं, तो 4 प्रमुख खिलाड़ियों के बगैर भारतीय टीम इस T20 इंटरनेशनल मुकाबले में उतरने जा रही है। और यहां पर जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि डेथ ओवर्स की गेंदबाजी भारत की तरफ से कैसी होती है। हर्षदीप सिंह तो होंगे, उनके साथ मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाज के रोल में आपको दिखेंगे और तीसरे तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या होंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि हार्दिक पांड्या नेट्स पर काफी लेग स्पिन गेंद डालने की प्रैक्टिस भी करते हुए दिखे हैं, तो क्या आज हम ये देखेंगे कि हार्दिक पांड्या श्रीलंकाई की स्पिनिंग ट्रैक्स पर पिच पर जो है वो लेग स्पिन करते हुए भी दिखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये आपको फॉर्मेट होगा और इसके अलावा 3 स्पिनर भारत की तरफ से होंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहां पर अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रवि विश्नोई जो है मुझे लगता है ये 3 स्पिनर होंगे। साथ में आपको जो 3 तेज गेंदबाज जो मैंने आपको बात कही, अर्शदीप सिराज
और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की भूमिका में आपको दिखेंगे। और जहां तक बल्लेबाजी की बात है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की अनुपस्थिति में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे। 3 नंबर पर ऋषभ पंत होंगे, 4 पर खुद सूर्य कुमार यादव होंगे और 5 पर आपको हार्दिक पांड्या दिखेंगे। 6 नंबर पर रिंकू सिंह और शिवम दुबे में से कोई एक खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर शिवम दुबे को रिंकू सिंह के रहते टीम में एडजस्ट करने की कोशिश की गई तो ऐसी परिस्थिति में रवि विश्नोई या फिर वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम श्रीलंकाई टीम की बात करें तो वहां निसांका जो है वो कुशल परेरा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे, फिर कुशल मेंडिस होंगे और 4 नंबर पर अविष्का फर्नांडो या आपको दिनेश चांडीमल में से किसी एक को अवसर दिया जा सकता है। श्रीलंका के कप्तान असलंका जो है वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और 6 पर होंगे दासुन शनाका, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच जो अब तक T20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 430 रन T20 इंटरनेशनल में बनाए हैं। इसके अलावा उनके पास 10 से ज्यादा विकेट भी है भारत के खिलाफ। इसके अलावा दुनित विल्ला लगे स्पिनर की हम बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, बहुत अच्छे स्पिनर हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। इसके अलावा वानिंदु हसरंगा के बारे में हम सभी जानते हैं और महेश तीक्ष्णा भी यहाँ पर होंगे। हैं तो वो स्पिनर लेकिन अक्सर नई गेंद के साथ आपको गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं। और फिर दिलशान मधुसंका और मथीशा पथिराना जो हैं वो श्रीलंकाई टीम में होंगे। तो ये प्लेइंग 11 श्रीलंका की होगी। और जहां तक अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबलों की तो देखिए सूर्य कुमार यादव का बल्ला जो है वो अक्सर श्रीलंका के खिलाफ चलता है। हालांकि खेले तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल ही हैं, लेकिन उनका जो औसत है बल्लेबाजी का वो 65 से ज्यादा का है। ये दिलचस्प है। और आपको हम बता दें कि यहां पर जो है सूर्य कुमार यादव की कोशिश होगी कि उसी लय को बरकरार रखें और अपने स्टाइल में बल्लेबाजी करें ताकि श्रीलंकाई टीम जो है उस पर दबाव बनाया जा सके। तो भारतीय टीम की आज जो कोशिश होगी वो यही होगी कि वो जीत के साथ इस सीरीज की शुरुआत करें ताकि दबाव जो है वो श्रीलंका पर आगे सीरीज में बनाई जा सके। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।